तो हेलो गाइस, तो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ माइनक्राफ्ट की 15th एनिवर्सरी, और मैंने सुना है बहुत अच्छी है। तो पहले इस विलेजर से बात करता हूँ। मैं जानता हूँ ज़्यादातर लोग वीडियो को नहीं देखेंगे क्योंकि अच्छी है, खैर अच्छे कंटेंट को कोई नहीं देखता, और क्या ही बोलूँ अब मैं। खैर ही कॉलम भाई, क्या ओ भाई वो तो ऊपर, अब क्या करें भाई, तू नीचे उतार दे, तेरे में तो इतनी दम है ना, रेड के टाइम पे खैर मर जाता है तू। फिर भी ये एनिवर्सरी है, यहाँ पे कोई अजीब बात नहीं करनी, यहाँ पे सब फ्रेंड्स है, जैसे कि क्रीपर। यार यहाँ पे ये फोटो खींच रही है क्या? अरे हाँ बहन, मेरी भी खींच दे, चलो मैं भी खड़े हो जाता हूँ। ओके खड़ा हो चुका हूँ, ठीक है, हो रहा हूँ ना उस तरफ, हो गया बस ठीक है। और ये क्या हुआ, थोड़ा सा और बस, ये आ गई ना परफेक्ट फोटो, ये बात। और मेरे को इतना तो पता है, जो भी मेरे को सब्सक्राइब करके रखे वो मेरी वीडियो नहीं देखते, पर सारे के सारे न्यू व्यूवर्स मेरी सारी शॉर्ट्स देखते हैं और वीडियोस। खैर वीडियोस तो मैं बहुत ही कम बनाता हूँ। हेलो, क्या बोलना चाहते हो, थैंक यू बुक दे रहे हो, वैसे भी रियल ज़िंदगी में तो कोई देता ही नहीं, कोई नहीं। ओ भाई क्या सुंदर जगह है बे, इतना बड़ा केक क्या करोगे भाई, पूरा माइनक्राफ्ट वर्ल्ड का पेट भरा जाएगा। ड्रीम बी लाइक इतना केक तो खा खा के मेरी ऐसी की तैसी हो गई। ओह ये कौन सा स्टूडियो है मेरे को नहीं पता। खैर हमें थोड़ा घूमते हैं फिरते हैं और थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। खैर बुक में जो भी लिखा है वो तो मैं पढ़ूंगा नहीं, अपन को तो गेम प्ले पे ध्यान देना है। और अगर किसी को कुछ भी डाउट है मेरे बारे में, वरना मेरे बारे में कोई कुछ पूछना चाहता है मैं किस तरह एडिटिंग करता हूँ, तो पूछ सकते हो, मना नहीं कर रहा। तो चलो अपन एक वर्ल्ड में जा चुके हैं और पहुँच भी गए हैं मेरे हिसाब से। ये एक्वेरियम भाई क्या फिश है बे। खैर ये नॉर्मल माइनक्राफ्ट में भी होती है, इतना कोई शौक की बात नहीं है, पर जो माइनक्राफ्ट ने बनाया ना ये झींगा मस्त बनाई है, ऐसा तो कोई गेम ही बना। वैसे मैंने प्ले स्टोर पर नहीं, यूट्यूब पर देखा था एक वॉक थ्रू इसका, 1 घंटे 30 मिनट समथिंग का था, मतलब इतना बड़ा मैप है और वो खेलता भी पूरे गेम्स इसमें। खैर मैंने तो खाली 5 मिनट का ही बनाया, फिर भी उसे देख लो यार मज़ा आएगा। भाई तेरे पैर में लगी है, इधर आ मैं ठीक करता हूँ, नहीं कैमरे से फ़ोटो खींचेंगे, तू भाड़ में जा, तेरे कोई ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, हम तो तेरी फ़ोटो खींचेंगे। हाँ जी डॉक्टर भाई साहब, इसका इलाज कर देना, पैसे मैं नहीं देगा क्योंकि बिजली का बिल मैं ही भरता हूँ। ओ भाई ये क्या हो रहा है, CO2 कम हो रहा है और CB कुछ करके, उसके आगे में कुछ नहीं बोलूँगा भाई, ये तो वो है ना स्वाम जैसा कुछ एरिया। भाई मैं बार बार ये बुक क्यों खोल रहा हूँ रे। खैर थोड़ी सी बोरिंग जगह है, फिर भी एक्सप्लोर करने में क्या जा रहा है। ओ वैसे ही आपको पता है, एक टिप बताता हूँ, ट्रिप नहीं, ट्रिप में तो जाते हैं और ड्रिप दिखाते हैं, ट्रीट मी लाइक व्हाट इज। खैर मैं किस चीज़ के ऊपर बात कर रहा था, हाँ भागने की स्पीड, भागने की स्पीड कोई हैक वैक लगाने से नहीं बढ़ती, जस्ट अपना FOV बढ़ा लो, शायद लैग मारे पर FOV बढ़ाने से आपकी नॉर्मली स्पीड बढ़ जाती है, क्योंकि आपके कैमरा एंगल बढ़ जाता है तो कुछ होता है सिस्टम, मेरे को नहीं पता। खैर और जंप मारते रहना तो इससे स्पीड बढ़ती है। पहले अपन केक खाने चलते हैं। अरे तेरी इस समाज में कोई इज्जत नहीं करी, पर भाग जाए यहाँ से, तूने कितने लोगों का माइनक्राफ्ट वर्ल्ड ख़राब करा है, ले तेरा केक भी ख़राब कर देता हूँ, और भाई मेरे ऊपर मत फेंको, समझ में आया क्या? हाँ जी हाँ जी। और भाई साहब इतना सारा केक, भाई कितने अंडे कितना दूध लगा होगा इसमें तो। खैर यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लिया मैंने थंबनेल के लिए, हार्ड वर्किंग गाय। भाई कितना केक बना रहे हो भाई, बस करो, आधी दुनिया की तो तुमने रिसोर्सेज ले लिया अपने पागल लोग, क्या बोल रहा हूँ, सब कमेंट में गालियाँ देंगे, अच्छे लोगों के लिए केक बनाने के लिए मतलब डिज़र्व करते भी है। खैर अपन एक और वर्ल्ड में आ चुके हैं, आइस वाले। ओ भाई क्या मस्त बनाया है बे, पर इसकी ग्राफिक्स बताऊँ तो थोड़ी अलग है, मतलब ज़्यादा क्या ही बोलूँ, अब मैं वो शेडर आता है ना एक जिसमें ग्राफिक इन्हेंस हो जाती है ऐसे, पर थोड़ा सा वो हो जाता है, स्मूथ हो जाती है ग्राफिक्स ऐसे देख रहे हो ना, और ब्लॉक्स थोड़ा मैं टेक्सचर बढ़ा देते पर स्मूथ होती है। वैसे जिंगा तो अच्छी घूमने लायक ही है। एक सेकंड ये क्या है, रोनाल्डो सू।
Father, Father, Gentleman.